गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग नीलोफर बोल रही हो? यस। गुड मॉर्निंग अंकिता, आचल, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, आज जो है हम क्या करने वाले हैं गणित में? आपने गणित की किताब निकाली है? यस। पेज नंबर 73 में देखो, देख रहे हैं किसके बाद क्या? नहीं है। किताब नहीं है, कोई बात नहीं। आज हम लोग करने जा रहे हैं किसके बाद क्या, ये है क्या जरा देखें। आप मुझे ये बताइए ये क्या है? एप्पल। एप्पल है यानी सेब। तो जब हम बाजार से इसको लेकर आते हैं तो हम इसको ऐसे ही खाना चाहिए? नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? एप्पल को हमें पानी में अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? धोना चाहिए। धोने के बाद उसे हमें फिर ऐसे ही खा लेना चाहिए? नहीं। उसको हमें अच्छी तरीके से, उसकी धूल वूल और अच्छी तरह से निकल जाए तो उसको हमें क्या करना चाहिए? उसे साफ करना चाहिए। और क्योंकि ये बड़ा है तो हम इसको क्या करेंगे? काटेंगे। हम इसे काट देंगे और काटने के बाद इसके अच्छे पीस करेंगे यानी टुकड़े करेंगे और फिर हम इसे खाएंगे। तो ये पीस कौन खाने वाला है भाई? वेरी गुड। तो ये है किसके बाद क्या, हमें किस तरीके से अपने काम को सही ढंग से करना चाहिए। अब बच्चों मैं आपको बता रही हूँ एक और चीज, ये देखो ये क्या है बताओ आप मुझे? बोट है ना, कौन सी बोट है ये? कागज की है ना, है ना? हाँ ये गोटी पेपर से आप बनाते हैं जिसे मार्बल पेपर भी कहते हैं। तो हम कैसे बनाते हैं फिर मैं बताऊंगी। जैसे हमने एक कागज लिया गोटी पेपर, अच्छा इसका आकार बताओ, ये कौन से आकार, क्या ये वर्ग है या आयत है? वर्ग। वेरी गुड। वर्ग की क्या खास बात है? वर्ग के चारों हिस्से एक जैसे होते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है। अब हमने इसको क्या किया, फोल्ड किया। अब बताओ ये कौन से आकार का हुआ? आयत। आयत, वेरी गुड। और फिर हमने एक बार और फोल्ड किया, अब ये कौन से आकार का दिखाई दे रहा है आपको? त्रिकोण, इसे वर्ग। अब हमने क्या किया, ये तीन हिस्से लिए और इस तरीके से हमने इसको प्रेस किया और दूसरे को यहाँ से दूसरे साइड में प्रेस किया। अब क्या किया? हाँ ये देखो आपकी बोट हो गई है तैयार। अभी कोई खास अच्छी तो नहीं बनी लेकिन हाँ बन गई है। तो इस तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक क्रम से अपनी बोट को तैयार किया है ना। तो आज हम यही करने जा रहे हैं किसके बाद क्या। तो चले क्लासरूम में हम। ओके तो बच्चों आज आपकी ये देखो क्या लिखा हुआ है आज का सुविचार, स्वस्थ तन स्वस्थ मन। यानी अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका मन भी अच्छा रहेगा, आपकी तबीयत अच्छी रहेगी तो आपका मन अच्छा रहता है कि नहीं रहता है? हमेशा अपने शरीर की सफाई भी हमें जरूर करनी चाहिए। जब आप क्लासरूम में बैठते हो तो एकदम नहा धो के या तो अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर बैठना चाहिए वरना सुस्ती रहती है। हाँ जी वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा अब दिनांक क्या है बच्चों? 15/1/2021 शुक्रवार जनवरी। कक्षा है आपकी पहली और विषय है
गणित गणित। और ये क्या देखो, ये बच्चा सोच रहा है कि किसके बाद क्या क्या होगा आगे, देखें। ये देखो बच्चों, यहाँ पर आपको गमले दिखाई दे रहे हैं। पहला जो दिखाई दे रहा, देखो यहाँ पे पहला क्रमांक लिखा है बच्चों, इसमें देखो इस गमले में मिट्टी है और ये बीज डाले जा रहे हैं। दूसरे चित्र में देखो दो नंबर में क्या दिखाई दे रहा है, बीजों को पानी भी डाल रहे हैं और ये सूरज बाबा क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देख रहे हैं। बिल्कुल, सूरज से हमें क्या मिलती है, हमें मिलती है धूप और गर्मी। तो बीज को उगने में, बीज में से एक पौधा निकलने में बच्चों धूप की भी जरूरत होती है, गर्मी की और पानी की, तीनों चीजों की जरूरत होती है। तो वो यहाँ से प्रकाश भी मिल रहा है, गर्मी भी मिल रही है। कुछ दिनों में तीसरे नंबर पे देखो, इसमें से एक छोटा सा अंकुर फूट गया और चौथे में क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसमें से एक सुंदर सा फूल निकला। और ये अगल बगल में कौन है, एक तरफ तितली है, एक तरफ मधुमक्खी है। तितली और मधुमक्खी फूलों से क्या करती हैं, रस लेती हैं, है ना। हाँ। तो ये है एक बीज डाला, बीज में पानी दिया और सूरज की रोशनी में उसे पौधे को रख दिया। तीसरे इसमें देखो क्रम में क्या आया, उसमें से नया अंकुर फूटा और चौथे में उसमें फूल खिल गया। तो इसे ही हमें सीखना है। अब यहाँ पे देखो ये लड़का क्या कर रहा है, फल को धो रहा है। हाँ, फल को धो रहा है और फिर सीधे खाना चाहिए नहीं, वो उसको कट कर रहा है और कट करने के बाद उसे तीसरे नंबर में क्या दिया है, खा रहा है उसे। ये है उसका क्रम, आगे हमें ऐसे ही करना है स्टेप बाय स्टेप। अब आप मुझे बताओ, आप मुझे यहाँ पे बताओ बच्चों, ये देखो आपको मुझे बताना है क्रम से हम इसे कैसे रखेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, ये बीज है, बीज के लिए बारिश हो रही है, जमीन में सूरज की रोशनी आई तो देखो बीज में से कैसे अंकुर फूटा। और ये देखो ये अंकुर में, ये बीज के अंदर से एक छोटी सी कोपले निकली हुई है देखो, और उसमें से नया पौधा आ गया। ये है हमारा किसके बाद क्या। अब यहाँ पे ये देखो, ये कौन दिखाई दे रहा है आपको, बतख। हाँ, बतख कहाँ बैठा हुआ है, अंडे के नीचे, अंडे के ऊपर, अंडे के ऊपर। तो अंडे के ऊपर वो क्यों बैठा है, ताकि अंडे को वो सह सके, मतलब उसको क्या करते हैं, गर्मी देते हैं। देते के बाद उसमें से क्या निकल रहा है देखो सेकंड स्टेप में, हाँ पहला स्टेप ये है क्रम कि उसने अपने अंडों को क्या किया, फोड़ दिया। घोड़ा नहीं बेटा, उसके ऊपर बैठ के उसे सेका। उसके बाद यहाँ पे वो अंडों में से कुछ दिनों के बाद वो अंडे फूट गए, उसमें ये छोटे छोटे चूजे बाहर निकल रहे हैं। तो ये हुआ दूसरा क्रम। और तीसरे क्रम में क्या हुआ बच्चों, वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे डकलिंग बाहर आ गए। तो हमने इसका नाम रखा, हाँ निकल गए, अब बाहर भी आ गया, अब वो घूम रहे हैं बाहर, है ना। अब इस चित्र को आप ध्यान से देखो और मुझे बताओ ये क्या दिख रहा है आपको। यहाँ पे ये दोनों भाई बहन लकड़ी से घर बना रहे हैं, किसके लिए, इस कौवे के लिए, इसका कोई घर नहीं है। और उन्होंने इसे बनाया तो ये उनके साथ साथ चलने लगा। बाद में दोनों भाई बहन ने उसको पेड़ के ऊपर उसका प्यारा सा घर क्या कर दिया, बना दिया। हाँ, तो वहाँ पे बिल्कुल अटैच कर दिया कि भाई हाँ भाई तुम्हारा घर ये है। और वो कौवा देखो खुशी खुशी वहाँ पे रहने लगा। तो बताओ पहले उन्होंने क्या किया, लकड़ी काटी, लकड़ी काटने के बाद घर बनाया,
घर बनाने के बाद उन्होंने पेड़ पे घर को लगा दिया इस तरीके से हथौड़े से उसको अच्छी तरह से ताकि वो घर गिरे ना। उसके बाद चौथे में क्या हुआ बच्चों? वो कौवा रहने लगा, रहने लगा, है ना। अब नेक्स्ट ध्यान, अब आगे वाला ध्यान से देखो, मुझे बताओ यहाँ पे आपको क्रम देना है, ठीक है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कौन सा दृश्य आपको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है बस स्टॉप, क्या लिखा है यहाँ पे? बस स्टॉप। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये दोनों बच्चे यानी डॉगीज आपको दिखाई दे रहे हैं बस स्टॉप में इंतजार बस के आने का। तो हमने इसको पहला क्रम दिया, एक बस आई तो देखो लाइन से चलने लगे। आप लोग भी स्कूल में लाइन से जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते। तो क्रम से चलने लगे तो हमने इसका नंबर दे दिया दूसरा। आराम से बैठे हैं बस में, कोई किताब पढ़ रहा है, कोई आपस में बातें कर रहा है, तो हमने इसका क्रम लगाया और ये बस निकल पड़ी, तो हमने इसको दिया। तो बच्चों इस तरीके का अगर आपको आता है तो आपको इसको क्रम से लगाना है, करेंगे ना आप लोग? अब बताओ इसको, बताओ क्या करेंगे? पहले आप लोग को बीज डाला चाहिए, पानी डाला चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। तो पहले हमने बीज डाला गमले में, तो मैंने इसको क्या नंबर दिया? एक। उसके बाद में दो नंबर किसे डालूं बताओ? फूल पे पानी और सूरज की रोशनी आ रही है, नंबर दो। उसमें से अंकुर फूटा, तीन पत्तियां दिख रही हैं आपको, ये है नंबर तीन। अब इस फूल पे तितली और मधुमक्खी मंडरा रही है, ये नंबर हो गया चार। देखा आप लोगों ने? आप लोगों को समझ में आया? नेक्स्ट सरप्राइज है भाई, ये देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ध्यान से देखो। झाड़, एक में झाड़, ये सारे के सारे एक ही पेड़ है, लेकिन उस पेड़ के हाल देखो कैसे है। सबसे पहले ये पेड़ हरा भरा था तो हमने इसको नंबर दिया एक। एक। उसके बाद कुछ दिनों में उसके पत्ते हो गए पीले तो हमने नंबर दे दिया दो। फिर वो पीले पत्ते ऐसे ऑरेंज कलर यानी नारंगी कलर में बदल गए और झड़ने भी लगे थोड़े थोड़े, तो हमने इसको नंबर दिया तीन। तीन। और बाकी देखो पतझड़ में सारे पत्ते नीचे नीचे देखो धीरे धीरे गिरने लगे, तो हमने इसको नंबर दे दिया चार। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको? पत्ते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, वो सारे सूख के नीचे ऐसे झड़ गए, तो नंबर दिया पांच। मौसम के हिसाब से बच्चों ऐसे क्रम से हमारे पेड़ों में नए पत्ते आते हैं, तब वो हरे होते हैं, फिर धीरे धीरे पीले और फिर इस तरीके से ऑरेंज कलर के भी हो जाते हैं और फिर वो पत्ते झड़ने लगते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि पूरा पेड़ बिना पत्तों के हो जाता है, फिर कोंपले आती हैं। तो ये क्रम चलता रहता है। तो आगे बढ़े, ये देखो आप लोग भी ऐसे शरारती हो ना जैसे ये बनी है। यहाँ पे घर में बहुत सुंदर गुलदान था, गुलदान में क्या दो फूल लगे हुए हैं, तो हमने इसको नंबर दे दिया एक, एक। है ना। और नॉटी टेडी आया, नटखट टेडी, उसको क्या कर रहा था? फुटबॉल खेल रहा था। कोई घर में खेलता है भला? नहीं, बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। तो उसने एक किक मारी और गुलदान पे देखो किक मार रहा है वो, तो हमने इसको दो नंबर दे दिया भाई, दो नंबर। हाँ, अब ये बॉल कहाँ लग गई बताओ? फूल पे, गमले पे। हाँ, ये जो फूलदान है उस पे लग गई,
तो ये नंबर आया तीन। ओहो ये गुलदान क्या हो गया, टूट गया। बिल्कुल टूट गया और वो घबरा गया कि आज तो मम्मी से पिटाई जरूर होगी। और ये है नंबर चार। नंबर चार। तो आप लोग भी ऐसी शरारतें करते हो? नहीं। अजय शरारतें करते हैं, मम्मी क्या करती है उनकी? पिटाई करती है। अजी पूजा करती है? नहीं। हाँ हाँ डंडे से बेलन से। अब ये देखो ये कौन है? ये है भेड़। इसके शरीर में क्या है? बहुत सारा ऊन। तो ये नंबर है एक, है ना। जब उसके ऊन बहुत ज्यादा बढ़ गए तो उसके ऊन को निकाल दिया गया मशीन से और देखो बेचारा बिना बालों के रह गया। दो, और ये बन गया ऊन का गोला, उसे बनाया गया। और इस ऊन के गोले से क्या बनता है बच्चों? आज सर्दियों में आप लोग अपने आप को ठंड से बचाने के लिए स्वेटर पहनते हो कि नहीं पहनते हो? पहनते। तो ये बन गई आपकी स्वेटर। तो इस तरीके से हमने इसको क्रम में रखा। अब देखो ध्यान से देखो, बताओ मुझे ये क्या कर रहा है लड़का? एक लड़का पानी ब्रश कर रहा है। ब्रश करके फिर क्या कर रहा है? सो रहा है। सो रहा है और उसके बाद वो जमाइयां ले रहा है और उसके पापा उसको स्टोरी सुना रहे हैं। तो क्या ये क्रम सही है? या नहीं? नहीं। सबसे पहले बच्चे उसने क्या किया? ब्रश किया। ब्रश किया उसके बाद जमाई आ रही थी, उसने जमाई ली, पापा आए और उसको पापा ने क्या किया? स्टोरी सुनाई। स्टोरी सुनाई यानी कहानी सुनाने के सुनने के बाद वो अच्छी सी नींद सो गया अपने बिस्तर में। देखा आपने? yeah. हाँ आपको समझ में आ रहा है ना कैसे करना है इसे? yeah. अब ये बताओ, ये चित्र बताओ और ध्यान से देखो। ये एक लड़का इधर बैठा है। हाँ और ये पंखा बंद करके बैठा है और ये सो रहा है पंखा चालू करके। अच्छा तो अब मैं बताऊं इसे? ये लड़का खेल कर आया था और ये बहुत पसीना पसीना था, पंखा भी बंद था, उसे बहुत पसीना आ रहा था। तो उसके बाद उसने क्या किया? बटन ऑन किया और पंखा चलने लगा। अब वो आराम से कुर्सी में बैठकर क्या कर रहा है? हाँ ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा है। अब मुझे बताओ एक नंबर मैं किसे डालूंगी, बताओ? जो जो वाले बैग। सबसे पहले वो आया, पंखा बंद था, फिर उसने पंखा ऑन किया और उसके बाद ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेने लगा, है ना? तो अब हम नेक्स्ट करें? हाँ। अब बताओ आप क्या ये क्रम से है? यस। देखो क्या दिख रहा है आपको इसमें? अभी हमने पहले भी बताया था चूजा निकला। हाँ और चूजा घूम रहा है। हाँ लास्ट वाला अंडा ऐसे ही है घोंसले पे। चलो ठीक है तो मैं बताती हूँ। सबसे पहले अंडा था, अंडे को हमने नंबर दिया एक। कुछ दिनों में अंडे के अंदर से निकला एक छोटा सा चूजा, उसको नंबर दिया दो। जब चूजा अंडे से बाहर देखो पूरी तरीके से यहाँ पे सिर्फ उसकी गर्दन दिखाई दे रही है देखो, और उसने अंडे को तोड़ा और तोड़ने के बाद ये आ गया उसका तीसरा नंबर। अब वो क्या करने लगा? जब बाहर निकला तो वो दाना चुगने लगा, तो ये नंबर दे दिया हमने इसको चार। और खाना खाने के बाद वो क्या हो गया?
बड़ा हो गया, बहुत मोटा हो गया। बिल्कुल सही, बड़ा मोटा हो गया। मोटा हो गया हाँ। जैसे आप हो जाते हो? नहीं, आप भी तो बड़े हो रहे हो हाँ। चलो अब नेक्स्ट। अब बताओ ये लड़का क्या कर रहा है? जूता पहन रहा है और उसका तैयारी कर रहा है, ये नहा रहा है, नहा रहा है, ये कपड़ा पहन रहा है, ये नहा रहा है। अच्छा तो ये बताओ इसका क्रम कैसे लगाएंगे हम? सबसे पहले वो ये क्या हुआ, वो टब में बैठा, शावर ऑन है नहीं है, ये नंबर है एक, एक है ना, ये नंबर हमने डाला एक। अब शावर से पानी आ रहा है, वो नहाने का आनंद ले रहा है, अच्छी तरीके से नहा रहा है। नंबर दो, दो। अब बच्चों यहाँ पे वो टॉवल से क्या कर रहा है, नहाने के बाद अच्छी तरीके से अपने आप को सुखा रहा है, नंबर हो गया तीन। अब सुखाने के बाद उसने क्या पहने, अपने साफ सुथरे कपड़े पहने और उसके बटन लगा रहा है, नंबर हो गया चार। अब वो कपड़े तो उसने पहन लिए, अब वो क्या पहन रहा है बच्चों? जूते, यानी अब वो तैयार है, तो ये हो गया नंबर नेक्स्ट। ये क्या दिखाई दे रहा है, ये कौन सा दृश्य है? बर्थडे, बर्थडे है, बर्थडे है। बर्थडे में आप बताओ सबसे पहले एक नंबर हमें हम किस में डालेंगे? केक लाया, ठीक है भाई, एक नंबर। केक के ऊपर क्या जलाया, ये देखो मोमबत्ती यानी कैंडल लगाया, दो नंबर। कैंडल लगाने के बाद क्या किया, केक को कट किया, है ना, और सब लोग उसे क्या करे, क्लैप करे यानी तालियां भी बजा रहे हैं, नंबर तीन। अब जब केक कट हो गया तो सब मिलके क्या कर रहे हैं बच्चों? खा रहे हैं। तो कौन सा नंबर डालूं मैं यहाँ पर? हाँ चार। चलो हमने भी अपना बर्थडे मना लिया है ना। अच्छा अब ये देखो, ये तो एक शरारती बिल्ली है, क्या कर रही है वो बताओ? एक शरारती बिल्ली पूरा दूध पी गई। अच्छा अब फिर क्या क्या किया फिर? देखो सबसे पहले वो खिड़की से उसने झांका कि यहाँ पे दूध की बोतल पड़ी हुई है, वो लालची थी, उसको भूख भी लगी थी, ये नंबर है एक। उसने क्या किया, पी लिया। कैसे, वो बेचारी कैसे पीती, बोतल के अंदर था, तो उसने अपने हाथ से उस बोतल को पकड़ने की कोशिश की, जो हो नहीं सकता क्योंकि उसका हाथ नहीं पंजा है, दो। वो बोतल नीचे गिर गई और पूरा दूध बिखर गया। फिर जो घर की मालकिन आई, गुस्से में उसने झाड़ू लिया और उसे देख के बहुत गुस्सा आया कि इसने मेरी दूध की बोतल गिरा दी, तो वो उसे पीटने के लिए दौड़ी। बिल्ली कहाँ भाग गई बताओ? खिड़की से। हाँ खिड़की से भाग गई, तो ये है पांचवा नंबर। तो आपने आज क्या सीखा बच्चों? किसके बाद क्या, किसके बाद क्या, हमने पूरी चीजों को क्रम से रखा, सारे दृश्यों को देखा आपने, तो आज आप लोगों ने सीखा ना। तो आप लोग क्या करोगे बच्चों, ये देखो ये आपकी किताब में है, ये दो। सबसे पहले आपने देखा था कि ये लड़का क्या कर रहा है, अपने फल को साफ कर रहा है, एक नंबर, ये देखो। फिर दो नंबर में उसे धो कट कर रहा है और तीसरे नंबर में खा रहा है। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर ये तीन चित्र हैं और यहाँ पे भी तीन चित्र हैं, तो
तो आप लोगों की किताब में आप लोग खुद इसे क्रम से लगाएंगे। देखो वो स्कूल गया, वो खेल रहा था, पेज उसके बाद पेज नंबर 73 ये देखो, देख रहे हो? Yes. तो आप लोग अपने किताब में क्रम से लिखोगे ना उसको? हाँ। चलो ओके, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट गणित के पीरियड में। ओके बाय 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 बाय, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते नमस्ते। अरे मैं अरे यार मीटिंग चालू हुई, ऐसे नहीं रहते, तभी आपको सिग्नल देना रहेगा ना, इस पे जाने का 3 मिनट है ना, इसे क्या बताए इसको कैसे क्या करना है? इसपे देखो पहले आप पहला केले धोते काटते हैं फिर खाते हैं ना, तो क्यों बताए ना शाम को होमवर्क करना।